अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने कच्चे टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फ्रेंड्स, हमने ये सब्ज़ी कच्चे मसाले में बनाए हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने कच्चे टमाटर की सब्ज़ी बनाए। कच्चे टमाटर की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो हम टमाटरों को धोकर बारीक काट लेंगे। टमाटर को काट लिया है, ये टमाटर 250 ग्राम है। हम टमाटर की सब्ज़ी को कच्चे मसाले में बना रहे हैं, कच्चा मसाला यानी राई का मसाला। 250 ग्राम टमाटर की सब्ज़ी के लिए मसालों की क्वांटिटी इतनी होंगी। 5 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे हमने काट लिया है, छोटा सा प्याज जो हमें आधा चाहिए, 5 से 7 हरी मिर्चें और 1 चमचा राई। इन तमाम चीज़ों को हमें बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेंगे, मसाले को बारीक पीस लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इस चमचे से 2 चमचे कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद अब इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 छोटा चमचा इसमें हल्दी शामिल किए। अब नमक डालेंगे इसमें, नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1/2 चाय का चमचा हमने इसमें नमक डाला है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक्कन ढककर मसाले को भूनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन खोलकर मसालों को देखते हैं। मसाला हो चुका है, अब इसमें कच्चे टमाटर डाल देंगे। मसाले में हमने कटे हुए कच्चे टमाटर डाल दिए, अब इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसे धीमी आंच पर ढक्कन ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम एक पके हुए टमाटर यानी लाल टमाटर को बारीक काट लेंगे। धीमी आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं। टमाटरों में से बहुत सारा पानी बाहर आ चुका है, अब हम आंच तेज़ कर देंगे और टमाटरों का पानी सुखाएंगे। ये टमाटर भी सब्ज़ी में शामिल कर देंगे। अब अच्छे से चलाएंगे और टमाटरों का पानी सूखने तक इसे तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इस कच्चे टमाटर की सब्ज़ी में एक पका हुआ टमाटर इसलिए डाला है कि ये सब्ज़ी हमारी खूबसूरत नज़र आए। जब खाने की चीज़ें खुशनुमा नज़र आती है तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा मन करता है। अगर चीज़ें बहुत अच्छी पकी हो लेकिन दिखने में अच्छी नहीं दिखती है तो खाने दिल नहीं करता। टमाटरों का पानी सूख चुका है, अब इसे 3 से 4 मिनट तक ढक्कन ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं। सब्ज़ी का पानी पूरा सूख चुका है, अब हम इसे चम्मच से चलाकर देखते हैं कि टमाटर गले या नहीं। सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर चलाएंगे। टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, कच्चे टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, कच्चे टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। आप चाहे इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगती है। एक बार ज़रूर कच्चे मसाले में इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की कच्चे टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।